आज हम आपको दिखा रहे हैं आम के पौधे कैसे ग्राफ्ट करते हैं, हम बेड कलम बनाते हैं। मेरा नाम मनोज पटेल है, मैं गांव आमोदरा से हूं। मेरा फ़ोन नंबर है 8469231113। आप मेरे को आम के पौधे चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको हम गोटला बोलते हैं और रोपा बोलते हैं। इसको हम ऐसे जॉइंट करेंगे, आपको मैं दिखा रहा हूँ इसको कैसे पील के छिलके निकाल के उसको जॉइंट करते हैं और रस्सी से बांध देते हैं। आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, हम उसको बेड कलम बोल रहे हैं। सभी लोग इसको किधर पे भी कोई गोटला बोलते हैं, कोई बाटा बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। हम इसको रोपा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको सैपलिंग बोलते हैं। कुछ भी जाति का है, ऐसा नहीं है कि केसर का है, कुछ भी है। कैनिंग में से आते हैं, हम उसको गोटली में से उसको उगाते हैं, ऐसा करते हैं। हम इसकी बेड कलम बनाने जा रहे हैं। वो जो हमारा ग्राफ्टर है वो कैसे छीलते हैं उस डाली को देखो, ये कैसे बनाता है। अब देखो इसमें ये बीच में से जो नली जा रहे हैं ना, वो देखनी चाहिए कैसे वो रस्सी से बांधते हैं। देखो ये अभी ये यहाँ से उन्होंने घोटला ले लिया और ऐसे बाका करके वो यहाँ से सिलता है। देखो ये देखो बीच में से ये भी ये दिख रहा है, वो दिखना ही चाहिए, तो वहाँ से वो ग्राफ ले सकता है। चलो देखते हैं कैसे उसको रस्सी से बांधते हैं। जो ऐसे रस्सी से बांधते हैं, हर रोज़ हमारे को इसमें पानी डालना पड़ता है, वो भी दिखाऊंगा मैं कि कैसे हम पानी डालते हैं उसमें। और ये फरवरी 10 तारीख है, फरवरी की 2019 है, और वो जून में रेडी हो जाएगा। वो ग्राफ्ट है, वो जून में यहाँ से ले लेगा, और जब ग्राफ्ट ले लेगा तब हम उसका मदर प्लांट से यहाँ से काट के नीचे रख देंगे। और मेरा दूसरों भी वीडियो है, आप देख सकते हैं हम कैसे ज़मीन में गाड़ते हैं, सब कुछ हम दिखाते हैं कैसे ज़मीन में गाड़ते हैं हमारे पौधे और सब कुछ। हमारे यहाँ सभी प्रजाति के पौधे मिलते हैं, कि जैसे दशहरी, केसर, आम्रपाली, सब्जा, चौसा सब मिलता है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे इसमें हम पानी की सिंचाई करते हैं। हर रोज़ इसमें पानी की सिंचाई करनी पड़ती है। हम इसको हर रोज़ इसमें पानी डालते हैं, ऐसे हम उसको सिंचाई करते हैं। देखो ये सब में हमारे को हर रोज़ पानी डालना पड़ता है। हमारे कुएं से ही पानी आ रहा है और हर रोज़ हम इसमें पानी डालते हैं। हमारे खुद के पौधे हैं, ये पौधे ने हमको पिछले साल 2018 में जुलाई में लगाए थे, उस पर भी मोर आ गए हैं। तो ये इसको पहले साल उसको मोर को ऐसे तोड़ देना पड़ता है, क्योंकि ये इसके मोर पे आम लगने लगेगी पहले साल पे तो पौधा कुपोषित रह जाता है। इसीलिए उसको पहले साल और दूसरे साल सभी मोर को तोड़ देना है, तो पौधा अच्छे से हेल्थी बन जाए। इसीलिए मोर को पहले साल और दूसरे साल तोड़ देना पड़ता है। अब आपको कुछ भी प्रजाति की कलम चाहिए तो हम आपको आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है मनोज पटेल, मेरा फ़ोन नंबर है 8469231113।